डियर स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट क्लास हमने भेज दी है, यूट्यूब पर लाइव करी है। अब हम फोर्थ या सेकंड अप्रैल से लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं, आप प्लीज इस नंबर को नोट कर लो। जिनको भी लाइव क्लासेस चाहिए आप मेरे से इस नंबर पर बात कर सकते हैं सर, आपको उसी टाइम इंस्टेंट लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, हमने आपकी फर्स्ट क्लास ली थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, आज हम आपको करवा रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो, हमारा हमेशा फिफ्थ चैप्टर पहले होता है, ऑलवेज फिफ्थ चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो तरीका है हमारा, पहले फिफ्थ चैप्टर होता है, फिर थोड़ा सा जर्नल होता है, फिर बेसिक होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जिसके बगैर अकाउंट्स का प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हो सकता। क्या है सर, सुनिए, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वी एज्यूम बोथ बिजनेस एंड ओनर एज टू डिफरेंट एंटिटीज। एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट वी एज्यूम बिजनेस एंड ओनर एज टू डिफरेंट एंटिटीज एंड वी हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम बिजनेस और ओनर को अलग अलग मान रहे हैं सर, बहुत तसल्ली से समझाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है सर। एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वी अज्यूम बोथ बिजनेस एंड ओनर एज टू डिफरेंट एंटिटीज एंड वी हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। दिस कॉन्सेप्ट इज फॉलोड सो दैट बिजनेसमैन्स पर्सनल ट्रांजैक्शंस मे नॉट मिक्स्ड विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सर, ये कॉन्सेप्ट शुरू शुरू में बड़ा परेशान करता है। हम मानकर चलते हैं कि बिजनेस और ओनर दोनों डिफरेंट है, मुझे जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, बताओ बच्चों, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? सोचो सोचो, आ रहा है जा रहा है, बताइए बताइए। सबके दिमाग में आया, ओनर पैसे लगा रहा है, हम ओनर है, पैसा जा रहा है। अरे नहीं भाई, एंट्री किसके हिसाब से करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आ रहा है। सर ऐसा क्यों? बेटा अगर मैं ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं तो ओनर के घर के खर्चे, बेटे को 2 रुपए की चॉकलेट खिला दी, ठीक है जी, 50 रुपए की चौमिन ले आया, क्या ये भी रिकॉर्ड करोगे? नहीं सर, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, उसके घर के खर्चे नहीं रिकॉर्ड करने कि वो अपनी बीवी के लिए मतलब बुके बनवा के ला रहा है, उसके बर्थडे पर साड़ी लेकर आ रहा है, अपने लिए जीन्स लेकर आ रहा है, टी शर्ट लेकर आ रहा है। सर हम चाहते हैं घर की बातें दूर रहें, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है और हमें जो भी एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इफ ओनर इन्वेस्टेड
मनी इनटू द बिजनेस। अगर ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, इट मींस बिजनेस इज रिसीविंग कैश एंड विल ट्रीट ओनर एज इट्स लाइबिलिटी। देखो गौर से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आ रहा है, ओनर के पास से पैसा जा रहा है, हमें ओनर की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी, हम बिजनेस की बातें रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि उसके घर के खर्चे मिक्स ना हो जाएं, तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो भी एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है। तो ओनर अगर बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो पैसे आ रहे हैं और बिजनेस ओनर को लाइबिलिटी मानता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, हमारा चैप्टर नंबर 5 है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा एक फॉर्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन में कि असेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज को कहते हैं क्रेडिटर्स का पैसा, कैपिटल को कहते हैं ओनर का पैसा, इसे इनसाइडर क्लेम कहते हैं, इसे आउटसाइडर्स क्लेम कहते हैं। इसे नेटवर्थ भी कहते हैं और इसे मिलाकर कहते हैं बच्चों टोटल इक्विटी। ठीक है बच्चों, तो अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव करनी होती है। एक क्वेश्चन कराते हैं प्रैक्टिकल, बहुत आसान है सर, मजा आएगा आपको करने में। लीजिए सर, लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इन दी बुक्स ऑफ, आपके सर का नाम मैसर्स उज्जवल मदान, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं होती, ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले आता है सीरियल नंबर। क्या आता है बच्चों? सीरियल नंबर। फिर क्या आता है? पर्टिकुलर्स। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैं ये जो लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन मुझे गिवन होगा। पहला, ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए तो आ क्या रहा है पैसा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एंट्री बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। तो आया क्या? कैश। ओनर जो पैसे लगाता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। हर चीज कम से कम दो जगह फर्क डालेगी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, ओनर ने पैसे लगाए, पैसा आ रहा है, और कैपिटल परचेज्ड मशीनरी खरीदी। बच्चों आप मार्केट गए, कुछ खरीद के लाओगे तो आएगा क्या? जो खरीद जाएगा क्या? पैसे। तो आया क्या? मशीनरी खरीदी तो मशीनरी आई। आया क्या? मशीनरी। और गया क्या? पैसा।
एक दो मतलब 5 साल का बच्चा भी हो ना, उसको बोलो बेटा हम आपके लिए मैगी लेकर आए, चॉकलेट लेकर आए, तो आपके पास क्या आएगा? चॉकलेट आएगी, जाएगा क्या? पैसे जाएंगे भाई। वही तो मैंने बताया, बिजनेस ने क्या खरीदा? मशीनरी। ओए भाई मशीनरी खरीदी तो क्या आएगा? अरे बेवकूफो, मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी आएगी और जाएगा क्या? पैसा। सर आपको कैसे पता लगा कैश में है? भाई नाम दे रखा कोई? नहीं, तो कैश मान के चलते हैं। अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद आती है टोटलिंग। हर पहली बारी दो के बाद टोटलिंग आती है। नीचे लिखते हैं, ये डंडा मारते हैं सर, यहां लिखते हैं न्यू इक्वेशन 30,000, 10,000, 40,000, ठीक है सर। परचेज्ड गुड्स, एक रिक्वेस्ट है बच्चों, आपको मशीनरी और गुड्स में फर्क पता होना चाहिए। जिस चीज का मेरा काम है वो गुड्स है सर, ठीक है जी। जैसे मेरा काम है चाय पत्ती का, तो चाय पत्ती मतलब टी मेरे लिए गुड्स है, तो मैंने गुड्स खरीदे। गुड्स और मशीनरी में फर्क है भाई। गुड्स खरीदे, गुड्स आया। कई टीचर इसको स्टॉक लिखवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। गुड्स आया, 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 क्या गया? सोचो सर, सोचो। अबे पैसे गए। मान लो क्वेश्चन खत्म है, फाइनल इक्वेशन, यू टोटलिंग करते हैं, यू यू फिर प्रूव करते हैं बच्चों। हैंस प्रूव्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपको एक मिनट का पॉज दे रहे हैं, आराम से इसको नोट करके, क्लिक करके नोट कर ले। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं आपको अब, ठीक है। स्टार्टेड, आपके उज्जवल सर ने फिर बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, क्या आया? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है। बिजनेस में आया क्या? पैसे। और हम बिजनेस में जो पैसे आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल, ठीक है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित। सर ये तो आपने नाम दे दिया। ये माना जाता है अगर किसी का नाम लिखा है तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार खरीदा है। ओहो, मैंने रोहित से क्रेडिट पर गुड्स खरीदे, मैंने रोहित से क्रेडिट पर गुड्स खरीदे तो आया क्या? गुड्स। क्या पैसे जा रहे हैं? नहीं। क्या बाद में देने हैं? हाँ। ये हमारी बदमाशी है, नहीं दे रहे ऐसी की तैसी, जिसने लेना ले ले, लेके दिखा दे, हम किसी के नहीं देते, इसके कहाँ दे देंगे? ऐसा नहीं सर, यू हैव टू पे मनी। आपके पास गुड्स आ रहे हैं और आपने पैसे देने हैं, अभी देने हैं। समथिंग यू हैव टू पे, लाइबिलिटी। क्या है आपकी लाइबिलिटी? क्रेडिटर। तो इससे मेरी डेफिनेशन क्लियर हुई। क्रेडिटर कौन होते हैं? वो आदमी जिनसे मैं क्रेडिट पर सामान खरीदता हूं। लो जी लो, न्यू इक्वेशन। ठीक है सर, चीज आ गया। पेड कैश
रोहित, रोहित को 20,000 देने थे, 5,000 कैश दिया, पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, और लाइबिलिटी कम हो गई। यार एक बात बताओ, मैंने रोहित को कितने पैसे देने थे? 20,000, कितने दे दिए? 5,000, तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई ना बच्चों। फाइनल इक्वेशन 20,000 65। लो जी, ये हमारा एक क्वेश्चन और हो गया। तो सर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। सर पहली ट्रांजेक्शन, सर पहली तो यही होगी भाई, बिजनेस नया होगा पुराना होगा, कैश आ रहा है और कैपिटल लाइबिलिटी है, ठीक है। परचेज्ड मशीनरी, क्या खरीदा हमने? मशीनरी। मशीनरी आ रही है, जाएगा क्या? नाम लिखा है? नहीं, तो क्या जाएगा? पैसे जाएंगे। आया क्या? मशीनरी। गया क्या? पैसे। यू टोटलिंग करते हैं सर अब दो के बाद, इसको लिखते हैं न्यू इक्वेशन। इज इक्वल टू 50,000। यू टोटल करते हैं सर। परचेज गुड्स फ्रॉम मोनिका, नाम लिख रखा है, नाम तो क्रेडिट है भाई। आया क्या? गुड्स या स्टॉक। क्या पैसे जा रहे हैं? जी नहीं। क्या बाद में देने हैं? देने तो पड़ेंगे। तो हमारी क्या है? लाइबिलिटी। न्यू इक्वेशन, ठीक है जी। यू टोटलिंग करते रहे, पहली बार दो के बाद, दूसरी बार एक के बाद। पेड कैश टू मोनिका 1,000, कैश गया और क्रेडिटर कम। एक तो भाई पैसा जा रहा है, मोनिका को कितने पैसे देने थे? 5,000, कितने दे दिए? 1,000। बैलेंस कितना आ जाएगा अपने आप? ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी फाइव फोर फिफ्टी। प्रूव करते हैं, 29, 34, 54। सर हम 2 अप्रैल के आसपास से बैचेस स्टार्ट करेंगे, एक 2 अप्रैल को, एक 4 अप्रैल को लाइव क्लासेस। ये मैं अपना बीच में अपना नंबर लिख रहा हूं। आपको एक ऐप डाउनलोड करवाएंगे, पूरा सिस्टम हमारा स्टाफ आपको समझाएगा। जो भी लाइव क्लास लेना चाहता है प्लीज इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें मुझसे सर, ठीक है सर। तो ये अभी हमने 5th चैप्टर स्टार्ट करवाया, जिसका नाम क्या था? अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके बच्चों।